चला जब रास्ता आगे आगे चल उस कॉर्नर तक नहीं उधर निकलना है। देखो हमारा सिकरा बोर्ड उधर है और हम लोग ये एलिफेंटा ग्रूव्स चढ़ के यहाँ तक आए। साउथराड ऑन एक्टिवा के एपिसोड 34 में आज मैं आपको मुंड्रालिंग के बारे में दिखाने वाला हूँ। नज़दीकी रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो कोलम रेलवे स्टेशन है जिसकी दूरी करीबन 25 किलोमीटर है। वेलकम बैक टू बजाज रोमिल ट्रैवल, मेरा नाम रोहन सिंह उपाध्याय है। तो फाइनल में जो दो फ्रेंड्स थे वो आ गए, तो उन्होंने एक्चुअली कुछ किसी के साथ बुक कर दिया सिकारा, उन्होंने कुछ 1000 बोला है, तो उन्होंने एक 1.5 आवर के लिए देखा क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, वो वापस वर्कला भी जाना है। मेरा तो यहाँ पे स्टे है तो देखते क्या करते हैं। तो अभी तो मैं इनके साथ लाइक बोटिंग के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, बस यहाँ पे एक काइंड ऑफ बोटिंग करवाते हैं, तो मैंने सोचा चलो वो देख लेते हैं और फिर कल मैं एलएपी के लिए निकल जाऊँगा। तो अभी करीबन 4:11 हो चुकी है और हमने एक बोट फाइनल कर दी है। तो सिकारा कहते हैं ना, हाँ तो ये सिकारा है। 2 घंटे के लिए हमने करीबन 2000 पे किया, हम 3 लोग हैं तो अप्रोक्स पर पर्सन 666 आएगा। तो हमने बोला ठीक है चलो 3% के लिए अच्छा ही है और इतना दूर आया तो बनता भी है। सो 2 घंटे की करीबन राइड होगी, उन्होंने बोला बहुत ब्यूटीफुल प्लेस घुमाएंगे और सनसेट दिखाएंगे। तो हमने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, जाओ जाओ। नाइस, अच्छा तो अभी मैं आपको थोड़ा मुंड्रो आइलैंड के बारे में बताता हूँ। मुंड्रो द्वीप अष्टमुड़ी झील और कलदार नदी के संगम पर स्थित है। आज द्वीपों के समूह से बना मुंड्रो द्वीप को भारत का छिपा हुआ वेनिस कहा जाता है क्योंकि सुंदर नहर आज भी कई भारतों के लिए अनसुनी है। इस द्वीप को केरल का डूबता द्वीप मुंड्रो द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह लगभग 13.4 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल वाले 8 छोटे द्वीपों का एक समूह है। जगह का नाम त्रावणकोर के पूर्व रियासत के निवासी कर्नल जॉन मुंड्रो के सम्मान में रखा गया है। मुंड्रो द्वीप केरल में एक हटकर पर्यटन स्थल है जिसे आपको अपने यात्रा कार्यक्रम में शामिल करना चाहिए यदि आप केरल में ग्रामीण जीवन का अनुभव करना चाहते हैं और कम भीड़ वाले बैकवाटर का आनंद लेना चाहते हैं, तो यह यात्रा करने के लिए एक आदर्श स्थान है। बहुत सुपर एक्सपीरियंस है यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी करीबन 4:26 है यहाँ पे, वो भैया है तो उन्होंने बोला कि ड्रोन भी उठाते, तो देखते हैं। मुझे तो पता नहीं आवाज़ क्लियर आ रही होगी कि नहीं क्योंकि मेरा जो लाइक GoPro का जो मीडिया मोड था वो ख़राब हो गया, तो देखते हैं। आई थिंक सो आ रही होगी, इतनी भी लाइक GoPro की जो ऑडियो क्वालिटी थी ख़राब नहीं है, पर लाइक जो मीडिया मोड जैसी क्वालिटी आती है ना वो इसमें नहीं आ रही होगी। और आपको वो जो दिख रहा है ना वो है मुंड्रो आइलैंड। वहाँ पे टूरिज्म, वहाँ पे रिजॉर्ट वो सब है क्या? रिजॉर्ट वो सब रिसोर्ट है मुंड्रो आइलैंड पर? बहुत रिसोर्ट है। ओके हाँ वो रहे सब। सो हम लोग लाइक ऐसे नीचे उतरे, भैया ने बोला कि थोड़ा वॉक करो, मैं कहा ठीक है चलो कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं, बोर्ड में बैठे बैठे करेंगे भी क्या। सो आप फिशिंग कर रहे हो क्या? बहुत लाइक रुकना पड़ता है इसके लिए। उधर उधर बहुत डीप है ना, थोड़ा डीप, कुछ छोटा डीप है। भैया हाँ आ गई क्या? नहीं आई, नहीं ये लूर है। ओके लूर, ओके ओके। एक्शन मछली का। Okay, it looks like a, it's like a मछली,
अभी सोच रहा था वाला फोटो सोचा है बाद में करते हैं, उधर आगे मत जाना। ओह ऊपर दिस तो इतना सुपर मज़ा आ रहा है ना। हम लोग एक्चुअली ऐसे नीचे उतर गए, ऐसे ही वॉक कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे थोड़ा एंजॉय करो, वो भैया फिशिंग कर रहा है। थोड़ा सा डेंजरस है क्योंकि यहाँ पे एक मतलब थोड़े से इतना डीप नहीं है, पर जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो ना थोड़ा थोड़ा डीप होता जा रहा है और आपके पैर स्लिप भी हो रहे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ रहा है, पर बहुत सुपर मज़ा आ रहा है। इतने सुपर जोन शॉट्स आया ना। तो आपस चल सकते हैं, ऐसा बोल रहा हूं। बोले चलते हैं, मतलब हम तो थोड़ा सा। सो ये पीछे से आप जो देख रहे हो ना, ये एलिफेंट मैंग्रोव्स है। तो भैया बोल रहे हैं कि आप यहां पे ऊपर चढ़ सकते हो। लेट इट वेट नाउ। ओके 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 स्टॉप द इंजन। अभी कहां पे जाऊं? चला जा बस, रास्ता ढूंढ के आगे आगे चल। जो उस कॉर्नर तक नहीं गुजर निकलना है अपने को। कहां तक जा रहा है? चला जाए से उस कॉर्नर तक। नीचे डिप नहीं है बोले, नीचे उतर भी सकता है। चलो देखो, हमारा सिकरा बोट उधर है और हम लोग ये एलिफेंटा ग्रूव चढ़ के यहाँ तक आए। पहले हमें लगा कि पता नहीं इतना स्ट्रांग होगा कि नहीं, पर हम लोग चढ़ रहे हैं तो लाइक स्ट्रांग फील हो रहा है। और ये जितना उन्होंने बोला ज़्यादा डीप भी नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना खूबसूरत सनसेट हो रहा है ना। वो गिरता नहीं वो। तो फाइनली शिकारा बोट राइड कर ली है, काफी मजा आया। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो मुंड्रो आइलैंड पे और अगर आपको देख रहे हो कि भाई किसके साथ राइड करूँ, तो इन भैया का नंबर है। तो भैया आपका एक बार नंबर बोल दो, जस्ट टेल योर नंबर। 8138804905। तो ये नंबर नोट डाउन करते ना, बहुत मज़ा आया। मतलब लाइक हमारे करीबन 2.5 आवर की राइड थी, पर बहुत मज़ा आ गया। हमने इन भैया ने इतनी अलग अलग जगह पर लेके गए, इतने अलग फोटोज़ खींचे, लाइक करीबन 2500 थे, पर इट वॉज वर्थ इट। सो ये फिक्स प्राइस नहीं है, लाइक सीजन वाइज चेंज होती रहती है ना। सो पर बहुत सुपर मज़ा आया। तो इनका नंबर नोट डाउट कर लेना, अगर आप मुंड्रो आइलैंड आ रहे हो तो आप इनके साथ ज़रूर कॉन्टेक्ट करना। तो मुंड्रो आइलैंड में यहाँ पे एक फ्रेंड्स फैमिली रेस्टोरेंट है जहाँ को आपको काफ़ी अच्छा खाना मिल जाएगा। हमने डोसा खाया था जो करीबन 70 रुपीज़ का था और काफ़ी टेस्टी था। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो यानी साउथ हर्ड के एपिसोड 35 में आपको मैंने मुंड्रो आइलैंड में कायाकिंग किया था उसके बारे में दिखाऊंगा, और जहां मैंने स्टे किया था उसके बारे में भी दिखाऊंगा। तो मैंने अपने चैनल पर 300 से अधिक ट्रैवलिंग के ऊपर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाए हैं, जो आप मेरे चैनल पर जाके भी देख सकते हो।